जय श्री सीताराम। 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या क्या माहौल होने वाला है? क्या क्या एटमॉस्फेयर आपके आसपास होगा? क्या कहीं कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या कहीं कुछ सौगातें भी आपको मिल सकती हैं? सारे विषयों पर विस्तार से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये जो आज का वीडियो है, ये साप्ताहिक राशिफल पर आधारित है, वीकली राशिफल पर आधारित है, वीकली हॉरोस्कोप पर आधारित है। जो आपका जो सप्ताह है, उसका जो जो समय रहेगा, उस इस पूरे सप्ताह भर का जो समय रहेगा, इसमें अलग अलग राशियों वाले, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, अलग अलग राशियों वाले जो जातक हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जब प्रभावों की चर्चा की जा रही है, तो किस आधार पर की जा रही है? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा 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 आपके साथ होगा, लेकिन किस आधार पर, क्या आधार है इस बात का बोलने का? मन से बोल दिया मैंने, बैठा था, मेरे मन में आया ऐसा होगा और मैंने दिमाग लगाया और आपको बता दिया। मतलब मैं खुद से सोचा, कल्पना की नहीं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली लेकर के आते हैं, तो कुंडली में, जन्म पत्रिका में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी लग्न कुंडली होती है, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, अंगोचर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है, एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपके बारे में बताया जाता है। तो जब आप मेरे पास आए, तो मैंने आपकी कुंडली देखी, तो उस आधार पर मैंने आपको बताया। लेकिन अभी किस आधार पर बता रहा हूं, तो यह ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर। मैं ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपको बता रहा हूं, कैसे, किस प्रकार से। तो ऐसे कि देखो, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई तो एक राशि आपकी होगी भाई, कोई तो एक राशि आपकी होगी ना। तो उस राशि को लग्न मान करके, और जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, मुझे पता है कौन सी राशि में कौन से ग्रह इस समय है, तो उन ग्रहों को उस कुंडली में बैठा करके मैंने यहां पर जो उन गोचरों के परिणाम निकले हैं, ये ग्रह यहां बैठे तो ऐसे परिणाम देते हैं, यहां बैठे तो ऐसे परिणाम देते हैं, यहां बैठे तो ऐसे, पूरा विस्तार से हर एक एक राशि की अलग अलग कुंडली बनी है। मतलब 12 कुंडलियां बना करके, और 12 कुंडलियों को बना करके उनके एनालिसिस, 12 अलग अलग एनालिसिस करके, और फिर जो मैंने लिखा है, मेरे सामने कॉपी होती है जिसमें मैं लिख के रखता हूं, तो जो मैंने लिखा है, मैं कॉपी पर लिखता हूँ। बहुत से लोग जो आजकल आईपैड और वो सब उस पर लिखते हैं, मैं पता नहीं, मुझे पढ़ना या फिर लिखना, ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आईपैड या मोबाइल पर या कहीं पर लिखना। मेरे पास आज भी, मैं कॉपी पर लिखता हूँ कई वर्षों से। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आईपैड या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, मैं भी टेक फ्रेंडली हूँ, लेकिन जब लिखने और पढ़ने की बात आती है, जैसे आजकल ई बुक्स चलती है ना, तो ई बुक लोग जो है वो किताबें खरीद के नहीं लाते हैं, वो मोबाइल में पढ़ लेते हैं। मुझे पता नहीं, फीलिंग ही नहीं आती मोबाइल में पढ़ने की, पता नहीं। तो मैं जब आपके राशि पर ऐसे कुंडली बनती है ना, तो मैं सामने लिख लेता हूँ, एक कॉपी है मेरे पास, उस कॉपी में पेन से लिख लेता हूँ, उसको मैं स्टैंड है ना, कॉपी पेपर स्टैंड, उस पर रख देता हूँ और सामने ये रख देता हूँ जो जो मैंने लिखा है, जो जो करा है, और फिर मैं आपसे वो जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने लिखा है, एनालिसिस किया है, मुझे तो याद ही है, लेकिन एक बार रिमाइंड हो जाता है, और फिर मैं वो देख देख के आपको सारी बातें बता देता हूं। तो मन से कुछ नहीं कहता, इस प्रकार से उसके एनालिसिस होते हैं। अच्छा, जब ये एनालिसिस मैं दे रहा हूं, तो मैं ये बात भी हमेशा कहता हूं कि भाई, ये देखो, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर है। हाँ, ये सार्वजनिक तौर पर है, सामान्य तौर पर है। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसपे ये कहा जाता है, सर आपके राशिफल पर ही हम बहुत विश्वास करते हैं। कई लोग तो कहते हैं 100% सटीक बैठता है, हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि मेरे राशिफल, ये जो राशिफल दे रहा हूँ, 100% सटीक बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों पर 100% सटीक बैठते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स भी आपको इंस्टाग्राम जो अकाउंट है VS Astrology, उसमें जाइएगा, तो उसमें आपको हैप्पी प्यूपिल या फिर टेस्टिमोनियल करके मिलेगा, उसमें कमेंट्स भी ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें
रिजल्ट जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपके, आप जो बोलते हैं वो हमें मिलता है वैसा होता है। तो ये मेरी किस्मत की बात है, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि किस्मत साथ ना दे तो फिर कुछ नहीं होता। तो आपका प्रेम है, आपका सहयोग है, आपकी प्रार्थनाएं हैं मेरे लिए भी, और फिर प्रभु की कृपा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। मेहनत तो खैर देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हम नहीं, यहाँ पर ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाह रहा कि मेहनत मत करो, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा तो ही जाकर कुछ होगा, भाग्य होगा और मेहनत होगी तो ही आप सफल हो पाओगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़े और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर आपका राशिफल समझाता हूँ और बताता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो फिजूल का तनाव, हाँ फिजूल का तनाव जो है वो आपको यहाँ पर बना रहेगा। फिजूल के तनाव से भैया आपको बचना है, टेंशन तनाव एंजाइटी जैसी स्थितियां भी आपको आ सकती हैं, सता सकती है। तो फिजूल के तनाव से बचिए। देखो क्या होता है कि जब हम फिजूल के तनाव में होते हैं तो निसंदेह केवल हम ही परेशान हो रहे ऐसा नहीं होता है, कई बार आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर पाएंगे, कैसे याद कर पाओगे कोई भी टॉपिक। आप घर में बैठे हुए हैं, आप तनाव में हैं, अब घर में बातें तो होती हैं, अब घर में आपसे कुछ पूछेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब आप तनाव, आपका तनाव कुछ और है, आपसे पूछा कुछ और जा रहा है। हाँ आपका तनाव है कि आपके बॉस ने इस बार आपके सैलरी काटने को बोल दिया कि भाई इतने इतने समय की सैलरी आपकी कटेगी, और आपसे मान के चलो कि आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि अरे पिज्जा पिज्जा लेके आना, पिज्जा कल भी नहीं लाए थे, परसों भी मैं कब से बोल रही हूँ पिज्जा नहीं आ रहा, बच्चे बोल रहे हैं पिज्जा नहीं आ रहा, आज तो पिज्जा आएगा ही आएगा, और आप उसके सोच रहे कि मेरी सैलरी कट हो गई। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मतभेद होने वाला है, आप झल्ला जाएंगे। तो बात ऐसी है कि व्यर्थ के तनाव में पारिवारिक विवाद भी होते हैं और बहुत सारी चीजें और बनती है ना। तनाव हर किसी, मुझे भी तनाव होता है, हर किसी को, चिंता सापिनी को नहीं खाया, ये श्री रामचरित मानस का वाक्य है, मेरे गुरुदेव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा, चिंता सापिनी को नहीं खाया, मतलब चिंता जो है वो साप, उसको सापिन कहा गया है कि उसने किसको नहीं डस लिया है ना, किसको नहीं खा लिया, तो हर किसी को खाया है। लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि ये तनाव जो है आपका कम हो। यदि ये समय आप निकल जाते हैं, समय निकाल लेते, थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला ये समय है, लेकिन ये समय निकाल देते हैं, तो इस समय जो हार्ड वर्क आपको लग रहा है, इस समय को लेकर के आप जो तनाव में हैं, इस समय को लेकर के आप जो परेशान हैं, वो परेशानी वो तनाव वो हार्ड वर्क मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है, और मैं ये कह सकता हूं कि आगे चल के आपको लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, आप देख लीजिएगा। भले ही तनाव करेंगे तो भी वृद्धि होगी, तनाव नहीं करेंगे तो भी वृद्धि होगी। हाँ तो क्यों ही तनाव करते हैं, वृद्धि मतलब यश में वृद्धि, सफलता तो मिल जाता है। ठीक है, नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं आपके जो करीबी हैं है ना, यदि कहीं बड़े लंबे समय से वो नहीं मिले थे तो उनसे मिलना जुलना हो सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मेष राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। ऑल ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, केवल एक बात यह है कि तनाव होगा, हो सकता है इस समय हार्डवर्क करना, जब हार्डवर्क करना पड़े तो देट नॉट मीन कि वो समय खराब है, इस समय आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है, लेकिन जो हार्डवर्क आप करते हैं, जो सोच रहे हैं आप, जिसके लिए मेहनत आप कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी और आपको उसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए एक बात कहूंगा कि भैया देखो आपके कार्यों में यहाँ पर इस सप्ताह आपको रुकावट मिल सकती है, रुकावट लग सकती है, आपको ये लग सकता है कि मेरे कार्यों में रुकावट आ रही है, डिले हो रहा है, देरी हो रही है, या तो मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। कई लोग मुझे कहते हैं, मेरे पास आते हैं, सर हमारे बॉस या हमारे कॉलीग हमें काम नहीं करने देते। कई लोग कहते हैं, सर हमारी सांस हमें काम नहीं करने देती, हमारे माता पिता हमको मना कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम मत करो। तो देखो हो सकता है कि आपको यहाँ पर रोका जाए या मना किया जाए या अपोज किया जाए आपका, लेकिन मेरा कहना ये बनता है कि यदि वो लोग अपोज कर रहे हैं जो आपकी उन्नति से खुश होते हैं, देखो जीवन में बहुत कम लोग हैं जो आप आगे बढ़ें और वो खुश हो, है ना, कम लोग हैं लेकिन है, आपके माता पिता हैं, आपके आपके पति पत्नी, आपके बच्चे हैं, आप कुछ केसेस में सगे भाई बहन भी है, कुछ केसेस में एक या दो, मुश्किल से एक या दो रिश्तेदार भी हैं, कुछ केसेस में
आपके एक या दो मित्र हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने वैसे, लेकिन आजकल वैसे मित्र मिलते नहीं हैं जो उन्नति में खुश हो, लेकिन हो सकता है एक या दो मित्र बड़े किस्मती आप है तो हो जाए। तो ऐसे लोग यदि कुछ आपको सलाह कर रहे हैं, ऐसे लोग यदि आपको कुछ बता रहे हैं, ऐसे लोग यदि आपको कोई रोक रहे हैं, तो उनकी सलाह लीजिए। वो जो बोल रहे हैं उसको मानिए, वो आपको यदि रोक रहे हैं तो रुकिए। मैं आपसे बस ये कहूंगा, सलाह देखो ये समय सलाह लेने का है, सलाह लीजिए और आगे बढ़िए, मैं ये कहूंगा। ठीक है, वाहन से कष्ट हो सकता है लंबी दूरी का, यदि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो लंबी दूरी के ट्रेवल से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वाहन से कष्ट बनता हुआ या मिलता हुआ आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आता है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपकी पढ़ाई में, जैसे कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम दे करके आ रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मुझे आपके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये समय कह रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा ये समय और दूसरे क्षेत्रों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन देखिए एक सप्ताह की बात है, केवल एक सप्ताह की बात है। इस एक सप्ताह को आप निकालिए और उसके बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए, यदि आप इस सप्ताह को अच्छी तरह से निकालते हैं तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में किसकी बात करेंगे, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा पदोन्नति के योग हैं, पदोन्नति के योग है, मतलब आप यदि कहीं बिजनेस कर रहे हैं, है ना, आप यदि कहीं कुछ नया निवेश कर रहे हैं, कुछ कुछ नया करना चाह रहे हैं, है ना, तो मुझे वहां पर आपकी सफलता बनती हुई आपके लिए नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। इसी के साथ साथ यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आप उन्नति हासिल करें, आपका आप और ज़्यादा आगे बढ़ें, यदि कहीं इंक्रीमेंट मिलने वाला है, इंक्रीमेंट के यदि कहीं आप इच्छुक हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिले, है ना, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। इसी के साथ साथ एक बात यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि धन पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात करें आपके मानसिक तौर पर चिंता की, बात करें आपके मानसिक तौर पर तनाव की, तो फिर यह वक्त जो है मुझे आपके लिए उतना अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप तनाव ज्यादा करेंगे, आप सोचेंगे ज्यादा, आप चिंता ज्यादा करेंगे, जैसे होता ना कि पैरालिसिस एनालिसिस जिसको मैं कहता हूँ, आपके साथ वो चीजें होने वाली नहीं है, लेकिन आप उन चीजों के लिए सोच रहे हैं, आप उन चीजों के लिए विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनती हुई मिलती हुई नजर आती है। और ये एक बहुत अच्छी बात नहीं, तो मेंटल आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि हम बात करें धन पैसे प्रतिष्ठा मान सम्मान की, तो उस दृष्टिकोण से कोई भी समस्या बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा रहेगा, परिवार का आपको साथ मिलेगा। एक बात ये भी मैं कहूंगा कि कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, घूमने फिरने आप जाएंगे भी, और यदि कहीं आप घूमने फिरने जाते हैं तो जिन उद्देश्यों से आप घूमने फिरने जा रहे हैं, जिन उद्देश्यों से आप कहीं जा रहे हैं, देखो मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं जहां भी आप जा रहे हैं, यात्रा जो आप करते हैं वो उद्देश्य वाली होती है। हो सकता है आप बोले नहीं, मैं तो शांति, मैं तो मेरे को कोई काम नहीं है, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं, मुझे शांति मिलेगी, तो शांति भी उद्देश्य है ना। आप परिवार, वहां में कोई काम नहीं, हम तो परिवार के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो परिवार के साथ एंजॉय मिलेगा ना, क्वालिटी टाइम मिलेगा ना, तो उद्देश्य तो है। तो जो उद्देश्य है, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे आपका नौकरी व्यवसाय, चाहे आपका स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाने जा रहे, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपका मुझे लाभ दिखे मिथुन राशि वालों के लिए, मुझे यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त जो है वो सफलता का ही है, सफलताओं को दिलवाने वाला है, सफलताओं को बढ़ाने वाला है, ये समय आपकी सफलताओं को और ज्यादा बढ़ा देगा। मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे, देखियो
हर किसी की सफलता के मायने, मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी के सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, है ना भाई। कोई एक वैरागी है और वैरागी ने वैराग्य धारण कर लिया, हाँ उसने वह एक जगह का राजा हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं आपको, है ना। श्री श्री ऋषभ देव जी, जैनों के जो भगवान हैं, जैन समुदाय के जो भगवान माने जाते हैं, श्री ऋषभ देव जी जो हैं, वो एक जगह के सम्राट थे, राजा थे, और फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। मतलब उन्होंने पूरा राजपाट इतना सब कुछ छोड़ दिया। राजा मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री, आप जॉब के लिए, कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, मैं पटवारी बन जाऊं, मैं तहसीलदार बन जाऊं, मैं IAS बन जाऊं, मैं IPS बन जाऊं, है ना। तो हर हर कोई प्रयास कर रहा है कि भाई हमें जॉब लगे। प्राइवेट जॉब तो क्या ठीक है लोग, और वहां तक प्रयास कर रहे हैं, तो उसको जो है वो कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। और ऋषभदेव जी कौन थे? सम्राट थे। कलेक्टर के तो मतलब क्या ही बोलते फिर, मतलब खैर भगवान थे, हम इन जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो वो सम्राट थे। अब कोई एक व्यक्ति के लिए सफलता है, छोटा सा कलेक्टर भी बन जाएगा। छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलेक्टर जो है वो केवल एक जिले का होता है। ढेरों हमारे भारत देश में कितने सारे जिले हैं सोच लीजिए। तो भारत के दृष्टिकोण से ऊपर से देखा जाएगा ना, एक सम्राट के दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से, तो कलेक्टर बहुत छोटा ही है। तो एक छोटा सा कलेक्टर जो है वो बनना चाहता है कोई व्यक्ति, और उसमें अपनी भयंकर बड़ी सफलता देख लेता है। वहीं पर एक सम्राट जो है वो बना हुआ जो है उसको छोड़ करके अपनी सफलता देख लेता है। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं कर्क राशि वालों? मैं ये समझता हूं कि ये वक्त आपको वो मायने दिलवा देगा, आपको यहाँ पर सफलता दिलवा देगा। जो भी आपके मायने हैं, आपको पढ़ाई में एग्जाम में अच्छी सफलता चाहिए, आपको आपकी प्राइवेट जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दे करके रखा था उसमें आपको जॉब चाहिए, आपको ठीक होना है, आपके शारीरिक तौर पर परेशानियां चल रही थी उसमें आपको ठीक होना है, उसमें आपको सफलता चाहिए। तो जो भी आपको सफलता चाहिए, उन सारी सफलताओं को ये समय बनाता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी हो जाए, तय हो जाए। चलो विवाह ना हो जाए लेकिन तय हो जाए, और चलो तय ना हो जाए लेकिन कम से कम शुरुआत हो जाए कि हाँ अब पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अब इस समय से, जैसा होता है ना कोई शुभ मुहूर्त होता है कि भाई ये समय से जो कार्य करना शुरू करो तो भाई अब आपका कार्य सफल होगा, है ना। कभी कभी ऐसा सुना होगा आपने, अरे सुबह से किसका मुंह देख लिया, या कभी कभी सुना होगा, अरे वाह आज तो सुबह से पता नहीं क्या देख लिया था, क्या खा लिया था, कि आज तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ये वक्त उस तरह का है कि इस समय आप जो कर लेंगे और जो अच्छा शुरू कर देंगे और जो अच्छा हो जाएगा वो फिर आपका चलते रहेगा। चलते रहेगा मतलब ये कि उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, पॉजिटिव सफलता मिलेगी, ठीक है। अच्छा समय। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। फिजिकली आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा स्थानांतरण के, सिंह राशि वालों स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राओं के योग भी यहाँ पर है, स्थानांतरण के योग भी यहाँ पर है, और आप यदि कहीं बाहर हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं और लंबे समय से स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग है मैंने बता दिया। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, धन पैसे आय इनकम के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। खास तौर पर कैरियर में सफलता दिलवाने वाला ये समय है, आपको कैरियर में और ज्यादा सफलता दिलवाएगा, और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। आपका कोई लक्ष्य होगा ना आपके कैरियर में, आप जो करना चाहते होंगे, आज कुछ पाना चाहते होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप इंक्रीमेंट चाहते होंगे, जॉब स्विच करना चाहते होंगे, प्रमोशन चाहते होंगे, बिजनेस में नए कस्टमर्स क्लाइंट्स, प्रोफेशन में नए कस्टमर क्लाइंट्स चाहते होंगे, तो आपको यहाँ पर मिलता हुआ, सिंह राशि वालों को मुझे मिलता हुआ यहाँ पर दिखता है, मुझे नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिखता है, ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों यदि आप लंबे समय से कोर्ट केस लिटिगेशन में यदि फंसे हुए थे, या तो कोई वाद विवाद में फंसे हुए थे, तो
कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसे हुए थे, मुकदमे में फंसे हुए थे। वाद विवाद छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े कोर्ट केस हों। छोटा मतलब परिवार में कुछ वाद विवाद चल रहा हो किसी चीज को लेकर के, कि भाई ये चीज जैसे अधिकतर चलता है ना परिवारों में, अधिकतर जमीन को लेकर के वाद विवाद चलते ही है, ये सुनने में आता ही है हमेशा, पहली बार में तो कोई कोर्ट जाता नहीं है। तो ऐसे कुछ भी वाद विवाद यदि आपका चल रहा हो तो वो यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है, और खत्म भी कैसा होता हुआ नजर आता है, सफलता मिलती हुई नजर आती है। इसको आप इस तरह से भी लीजिए, किसी से कोई कार्य आप बनवाना चाहते होंगे, करवाना चाहते होंगे, तो वो कार्य यहाँ पर बनेगा, वो व्यक्ति आपका वो कार्य यहाँ पर करेगा। ये इसको इस तरह से आप लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, हाँ प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, और विवाह का योग भी मुझे इस समय से बनता हुआ शुरू होता हुआ नजर आता है। ये सगाई कम से कम हो जाए, इसका योग मुझे इस समय से बनता हुआ शुरू होता हुआ नजर आता है, ये एक बात मुझे यहाँ पर दिखती है, पहली चीज। अगली बात मैं ये कहूंगा कि आर्थिक दृष्टि कन्या राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त, बहुत अच्छा समय, बहुत शानदार समय। मतलब आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, आप नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते हैं, या कोई आपका कोई इंसेंटिव होंगे, कुछ रुका हुआ पैसा होगा, कहीं पैसा फंसा हुआ होगा, तो वो भी मुझे आपका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। किसी को पैसा उधार दे करके रखा था वो भी मिलता हुआ नजर आता है। इस समय यदि कहीं आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, भूमि में यदि कहीं आप निवेश करते हैं, तो निवेश भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छे वो निवेश भी मुझे बहुत अच्छे परिणाम दिलाते हुए, रिटर्न दिलाते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो ये धन के, पैसों के, कैरियर के, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब जब यश मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो क्या होता है, सीधी सी बात है कि आपको सफलता मिलती है। भाई देखो, आप जो भी करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई कर स्टूडेंट होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, व्यवसाय कर रहे होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, जो भी आप कर रहे होंगे, आपके यश में वृद्धि कब होने वाली है, तभी होने वाली है जब आपको आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है। तो जब आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी, इसका ये मतलब सीधा सा है कि आप जो हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और यश में वृद्धि पाएंगे, सफल होंगे। जो कार्य आप चाहते हैं, जिन कार्यों के लिए आप जाने जाते हैं, वो कार्य आपके बन जाएंगे, बनेंगे। ये वक्त कार्य बनाने का है तुला राशि वालों के लिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि व्यर्थ का तनाव, फिजूल के तनाव, फिजूल की चिंताओं आज से आपको यहाँ पर बचना है, फिजूल की चिंताओं से बचकर रहिए, तनाव से बचकर रहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई हार्म नहीं होने वाला। देखो, तनाव चिंता हर किसी को होती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों चिंता करें, वैसे तो प्रॉब्लम हो तो भी चिंता करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ केयर करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, केयर करो। तो केयर करना तो जरूरी है ही, केयर नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेंगे, लेकिन चिंता करेंगे तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो चिंताओं से जरा बचकर रहिए। यात्राओं के योग है तुला राशि वालों के लिए, और यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। आप देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आप जो कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, उन कार्यों में आपकी यहाँ पर मुझे सफलता बनती हुई नजर आती है। अब उद्देश्य तो सबके अलग अलग होंगे। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, कोई एग्जाम फील करना चाहता है, उसे क्रैक करना चाहता है, कोई व्यक्ति है जो कॉम्पिटिशन क्रैक करना चाहता है, कोई व्यक्ति है, कोई है जो जॉब लगना चाहता है, कोई प्रमोशन चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिजनेस सफल करना, सबके अपने अपने उद्देश्य होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनके विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए, भाई तभी तो रिश्तेदार बनेंगे। विवाह के बिना रिश्तेदार कैसे बनते हैं? नहीं बनते। तो विवाह तय, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप
विवाह के इच्छुक है लायक है तो ठीक है, अदरवाइज अपने घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो उनके विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए या विवाहों की बात हो जाए, ऐसी कुछ भी स्थिति, या विवाह के लिए आप जो है वो आगे बढ़ें और इस समय से जो शुरुआत करें तो आगे चल के आपको पॉजिटिविटी मिल जाए, ऐसे मुझे आपके लिए यहाँ पर योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, एक बात। अगली बात, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वाले आप हैं और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, भवन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ऑल ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार आप मुझे यहाँ पर नजर आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, इतनी सी बात है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। बहुत से लोग मुझसे कंसल्टेशन इसलिए लेते हैं कि सर वो कार्य हमारा रुका हुआ है, हम उस कार्य वो कार्य हम कर नहीं पा रहे हैं, या तो लंबे वक्त से वो कार्य पिछले 2 साल से 3 साल से एग्जाम दे रहे हो नहीं पा रहा है, हम जॉब लगना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई केस फंस गया है, या हमारे अंकल हैं, हमारे काका हैं, कोई हैं, ताऊ जी हैं, उन्होंने हमारे हम यहाँ पर घर बनाना चाहते थे या खेती करना चाहते थे कुछ, तो उसमें जो है अटकलें लगा दी, उसमें रोक लगा दी है किसी प्रकार से कानूनी तौर पर। तो कुछ भी जो भी कार्य यहाँ पर रुका हुआ रहा होगा आपका या रुका हुआ है, उन कार्यों में यहाँ पर रुकावटें मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। और रुकावटें खत्म होंगी तो क्या होगा, निसंदेह कार्य में सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। तो ये वक्त सफलताओं का वक्त है, ये वक्त बहुत अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए। थोड़ी चिंता तनाव होगा, देखो चिंता तनाव होगा, मन चिंतित रह सकता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम फिर ना आ जाए, प्रॉब्लम्स ना आ जाए, परेशानी फिर ना आ जाए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं आपके साथ, मैं आपको एक बात बता दूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई या पारिवारिक तौर पर जो भी आप कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपकी सफलताएं मुझे, धनु राशि वालों की सफलताएं मुझे दिखती हैं। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों विशेष तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आप जिस चीज के मालिक हैं, यदि आप मालिक हैं तो आपके काम में वृद्धि होगी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है, ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। सहयोग किसी ना किसी का मिलेगा, मैं हमेशा और पूरे दृढ़ता से इस बात पर विश्वास करता हूं कि हम बिना सहयोग के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सहयोग तो हम सभी को जिस दिन से पैदा हुए हैं और जब हम मरेंगे, कंधे पर भी तो लेकर के कोई और ही जाएगा, हम तो जाएंगे नहीं शमशान तक, तो जिस दिन से पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे तब तक हमें सहयोग की जरूरत लगेगी। ये एक अलग विषय है कि कभी सहयोग निस्वार्थ होता था होगा, कभी सहयोग जो है वो स्वार्थ से होगा, है ना, कुछ तो लेकिन सहयोग होगा। हाँ, आपने कहीं सब्जी ली तो आपको उसकी जरूरत थी, आपको सहयोग चाहिए कि भाई तू सब्जी देते तो मैं खाऊंगा या खाऊंगी क्या, नहीं तो भूख लगेगी, और वो आपका सहयोग करे तो आप भी उसे पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पर स्वार्थ का सहयोग है, लेकिन सहयोग तो है ना, तो सहयोग यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा और उस सहयोग से आपको लाभ भी मिलेगा, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। तो ये समय ओवरऑल धन, पैसे, आय, इनकम, परिवार, दोस्ती, रिश्तेदारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बहुत शानदार मुझे दिखता है। ठीक है, एक बात। मकर राशि के लिए एक और बात यहाँ पर कहूंगा कि यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं और यदि रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल में हो सकता है, आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आप रखिए। हाँ, और वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, वाहन से कष्ट के योग ये सप्ताह मुझे दिखा रहा है आपके कैलकुलेशन में, आपके एनालिसिस में, तो वाहन से कष्ट भी आपको हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, तो ठीक है, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, परिवार का साथ आपको भरपूर दिलाएगा, इवन आर्थिक दृष्टिकोण से भी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत सहयोग, बहुत साथ आपको ये समय दिलवाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है, सफलताओं का वक्त है, बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी। मैं पहले भी ये बात कहा हूं, बार बार कहता हूं, सफलताओं के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए वही चीज सफलता है, किसी के लिए वही चीज असफलता है ना। तो सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं, आपका जो मायना है वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। तो सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, और आगे आप बढ़ सकते हैं और प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। साथ ही साथ नए दोस्त नए रिश्तेदार भी आपके बने, और नए दोस्त नए रिश्तेदार जो आपके बने तो निसंदेह उनसे भी आपको सुख मिले या उनसे भी आपको सहयोग मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन कैरियर या फिर धन पैसे प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तो भाई मीन राशि वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, भाग्य कारक है, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला है, और यदि कहीं ऐसा है तो इस समय मेहनत कीजिए, बिल्कुल भरपूर अपना पूरा जी जान और जोर लगा दीजिए, और बिल्कुल आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा वक्त है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर समझा और बात की। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको पसंद आया। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं, आपने देखा, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।